बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। एक बड़ी पुरानी सी कहावत है कि आदमी जब बीमारी की चिंता करता है तब वो ज्यादा बीमार होता है, यानी आपके मन का आपके शरीर पर सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ता है। और अगर आपने मन में ये सोच लिया कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार रहूंगा, तो आपको ठीक करना जरा कठिन हो जाता है। देखिए, मन से संबंध रखने वाला जो मुख्य ग्रह है उसे कहते हैं चंद्रमा। आपका शरीर है सूर्य, आपको बताया अभी, आपका जो मन है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के गड़बड़ होने से आदमी का मन कमजोर होता है, मन वाला हिस्सा थोड़ा वीकर साइड में होता है, और कमजोर मन बीमारियों को आकर्षित करता है। जब आपका मन कमजोर होगा तो मन की बीमारियां तो होंगी ही, आपको थोड़ी भी शरीर में दिक्कत होगी आप उसे बड़ी बीमारी मानने लगेंगे। कमजोर मन बीमारियों को अपने पास बुलाता है। कुंडली के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, पांच तत्व कुंडली के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भी आपके मन को कमजोर करते हैं और मजबूत करते हैं। मानसिक समस्या अगर आपको है या मन में आपको हमेशा ये चिंता रहती है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, कोई बड़ी बीमारी है आपको, आप ठीक नहीं हो पाएंगे, या मन में बराबर आप बीमारियों को लेके वहम पालते हैं, चिंता करते हैं, तो क्या करेंगे? मानसिक समस्याओं की स्थिति में उपवास से बहुत फायदा होता है। अगर एक दिन आहार ग्रहण ना किया जाए और पूजा उपासना की जाए तो इससे मानसिक समस्या में बहुत लाभ होता है। इसमें भी एकादशी और पूर्णिमा का अगर उपवास रखा जाए तो ये विशेष लाभकारी है, विशेष कल्याणकारी है। खान पान को अधिक से अधिक सात्विक बनाइए। अगर आपको मन की समस्या ज्यादा है या मन की वजह से आप ज्यादा बीमार होते हैं तो खान पान को सात्विक बनाएं। नियमित रूप से मंत्रों का जप करें और भजन कीर्तन करें। मंत्र जप से क्या होता है, आपका शरीर और आपका मन दोनों रिपेयर हो जाता है, दोनों के अंदर जो कमियां हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। तो अगर आप नियमित रूप से मंत्रों का जप करेंगे, किसी भी मंत्र का जप करें, जिन देवी देवता को आप मानते हो, जिन गुरु को आप मानते हो, उनके मंत्रों का जप करें, भजन कीर्तन करें, तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका मन मजबूत होगा। और जिन लोगों का मन मजबूत होता है उनके शरीर में या उनके मन में कोई भी बीमारी लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। आपका शरीर तीन लेवल पे बना हुआ है, एक फिजिकल बॉडी जो हम देख पा रहे हैं, एक होते हैं मेंटल बॉडी, मानसिक शरीर जो इसके पीछे होता है, सामान्यतः नहीं दिखता, और एक होती है स्पिरिचुअल बॉडी जिसको देखना बहुत ही कठिन है। अब जो मेंटल बॉडी है और जो फिजिकल बॉडी है वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल जुड़ी हुई है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। अगर आपने मन को शरीर से अलग कर दिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। दो तीन बीमारियां ऐसी हैं जो इस वजह से पैदा होती हैं क्योंकि आप तनाव पालते हैं, आप चिंता करते हैं। उसमें पहली बीमारी है पेट की बीमारी। जिन लोगों को तनाव पालने की, टेंशन पालने की आदत होती है, जिनके अंदर भय की, फियर साइकोसिस की समस्या होती है, या जो लोग छोटी छोटी बात पे परेशान होते हैं, दिन भर चिंताएं करते रहते हैं, या बीमारियों को लेके भय या वहम पालते हैं, उनका डाइजेशन कभी ठीक नहीं रहता। आपका डाइजेशन आपके मन से सीधा जुड़ा हुआ है। आप बहुत तनाव में रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपको मोशंस शुरू हो जाएंगे। आपका मन और आपका पेट बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ब्रेन में भी वही केमिकल तकरीबन पाए जाते हैं जो आपकी आंतों में पाए जाते हैं। इसीलिए तनाव की वजह से जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो पेट की होती है। जिन लोगों को भी पेट की बीमारी रहती हो वो जरा गौर करके सोचें, अक्सर उनको तनाव पालने की आदत भी रहती होगी, पहली बात। दूसरी बीमारी जो तनाव की वजह से पैदा होती है वो है ज्वाइंट पेन। घुटनों की समस्या, कंधों के दर्द की समस्या, पीठ दर्द, कमर दर्द, ज्वाइंट पेन की
या जोड़ों में दर्द की जो समस्या है ये भी तनाव की वजह से पैदा होती है। जो लोग ज्यादा तनाव पालते हैं छोटी उम्र से ही उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत परेशान करती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, उनको जोड़ों में कभी दर्द नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे 24 साल के, 26 साल के, 30 साल के, उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा तनाव पालने से जो दूसरी भयंकर बीमारी होती है वो जोड़ों का दर्द है। शरीर में जितने भी ज्वाइंट हैं, जितने भी जोड़ हैं, वो सारे जोड़ इसी तनाव की वजह से पैदा होते हैं, ये संभावना बनती है। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अगर आप ध्यान कर सकें सुबह शाम दोनों समय 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, तो आपको लाभ होगा। और अगर आप ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का अगर आप सुबह शाम दोनों समय जप करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।